मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा प्रथम की हिंदी पुस्तक रिमझिम का पार्ट 3 आम की टोकरी पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं आपको प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगा। अब आप अपनी पुस्तक खोलिए और मैं आपको उस पार्ट 3 के कुछ प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं। आप मेरे साथ पढ़िए। प्रश्न 1, बच्ची कितने साल की है? बोलो आप भी प्लीज। बच्ची कितने साल की है? उत्तर, बच्ची 6 साल की है। बच्ची 6 साल की है, प्लीज बोलिए। बच्ची 6 साल की है। प्रश्न नंबर 2, बच्ची टोकरी में क्या भरकर लाई है? बच्ची टोकरी में क्या भरकर लाई है, बोलिए। बच्ची टोकरी में आम भरकर लाई है। बच्ची टोकरी में आम भरकर लाई है, शाबाश। बच्ची टोकरी में आम भरकर लाई है। बच्ची टोकरी में आम भरकर लाई है। प्रश्न नंबर 3, टोकरी में क्या है? टोकरी में क्या है? टोकरी में आम है। टोकरी में आम है, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए है के ऊपर न की मात्रा चढ़ेगी। टोकरी में आम है, बोलिए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, वह क्या नहीं बताती है? वह क्या नहीं बताती है, बोलिए। उत्तर, वह आम का दाम नहीं बताती है। वह आम का दाम नहीं बताती है, बोलिए प्लीज। प्रश्न नंबर 5, बच्ची हमें क्या दिखाकर बुलाना चाहती है? बच्ची हमें क्या दिखाकर बुलाना चाहती है? उत्तर, बच्ची हमें आम की टोकरी दिखाकर बुलाना चाहती है, या बच्ची हमें आम दिखाकर बुलाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, बच्ची हमको क्या देती है? शाबाश, बोलिए। बच्ची हमको क्या देती है? बच्ची हमको आम देती है, शाबाश। बच्ची हमको आम देती है। बच्ची हमको आम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, वह क्या नहीं बताती है? वह क्या नहीं बताती है? वह नाम नहीं बताती है। वह नाम नहीं बताती है। वह नाम नहीं बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, हम आम का क्या करेंगे? हम आम का क्या करेंगे? उत्तर, 8, हम आम को चूसेंगे। हम आम को चूसेंगे। हम आम को चूसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, टोकरी में कितने आम हैं? टोकरी में कितने आम हैं? आपको इसके लिए अपनी पुस्तक खोलनी होगी और टोकरी के अंदर जो आम रखे हैं सुंदर सुंदर मीठे मीठे, उनको गिनकर लिखना होगा। टोकरी में कितने आम हैं, यह आपको स्वयं गिनकर लिखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10,
आपको कितने फलों के नाम याद हैं? आपको कितने फलों के नाम याद हैं? लिखिए, ये आपको अपने आप लिखने हैं। जैसे आम है, अनार है, सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता है, बहुत सारे फल होते हैं। आप उनके नाम हिंदी में लिख दीजिए। आप सबकी घर में किसी की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है? अब बच्चों, मैंने आपको प्रश्न उत्तर बता दिए। अब मैं आपसे पार्ट 3 आम की टोकरी के प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उसके उत्तर देने हैं, ठीक है? आर यू रेडी? मैं फिर आपको बताता हूँ, आपको जो मैंने अभी प्रश्न उत्तर बताए हैं, आप अपनी पुस्तक बंद कर दीजिए। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मेरे को उसके उत्तर देंगे, ठीक है? शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले पूछता हूँ, बच्ची कितने साल की है? प्रथम प्रश्न, बच्ची कितने साल की है? आप उत्तर बोलिए। प्रश्न नंबर 2, बच्ची टोकरी में क्या भरकर लाई है? बच्ची टोकरी में क्या भरकर लाई है? प्रश्न नंबर 3, टोकरी में क्या है? टोकरी में क्या है? बोलो भाई। प्रश्न नंबर 4, वह क्या नहीं बताती है? वह क्या नहीं बताती है? उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5, बच्ची हमें क्या दिखाकर बुलाना चाहती है? उत्तर दो। बच्ची हमें क्या दिखाकर बुलाना चाहती है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बच्ची हमको क्या देती है? बच्ची हमको क्या देती है? अगला प्रश्न, वह क्या नहीं बताती है? वह क्या नहीं बताती है? उत्तर दो भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हम आम का क्या करेंगे? हम आम का क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 9, टोकरी में कितने आम हैं? टोकरी में कितने आम हैं? लास्ट क्वेश्चन, आपको कितने फलों के नाम याद हैं? सुनाइए। आपको कितने फलों के नाम याद हैं? सुनाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।